हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आज आपके सामने ये जो क्विक वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आज आपको जो डेट है या टाइम है टेस्ट कब बुक करना है, किस टाइम पे बुक करना है, कौन सा टाइम या डेट या डे अच्छा रहता है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कोई भी जो ये टाइम या डेट है ये कोई भी मायने नहीं रखते। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आप जब भी लेसन लें आप डिफरेंट टाइमिंग्स पे लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टाइम आपका टेस्ट होता है आप कोशिश करें कि आप लेसन उसी टाइम पीरियड के दौरान भी कुछ लें, ताकि आप जो ट्रैफिक कंडीशन होती है उस टाइम की उसके साथ यूज टू हो जाए। तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ क्विकली, आप अपने माइंड में रखिएगा ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने टेस्ट के लिए टाइम या डेट बुक करना है तो आप अपने जो इंस्ट्रक्टर से जरूर डिस्कस कर लें कि वो इस टाइम पे या इस डेट पे अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि सम टाइम ऐसा मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट जब टेस्ट डेट्स बुक करते हैं तो वो बुक करके इंस्ट्रक्टर को बताते हैं, तो क्या होता है ऑलरेडी उस टाइम पे किसी दूसरे स्टूडेंट ने ऑलरेडी पहले से बुकिंग कराई होती है सेम टाइम पे सेम डे पे, तो हम सिर्फ एक ही स्टूडेंट को लेके जा सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी कोशिश करें आप टाइम या डेट DVSA वाले, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत से कैंसिल टेस्ट हुए थे तो वो डेट्स इशू कर रहा है, तो जैसे ही आपको कोई डेट इशू होती है टाइम इशू होता है आप अपने इंस्ट्रक्टर को जरूर बताएं ताकि वो अपनी डायरी में लिख लें और ओवरलैप ना हो जाए, ऑलरेडी किसी दूसरे स्टूडेंट का उसी टाइम पे बुक ना हुआ हो, नहीं तो उस दिन आपके लिए जो गाड़ी की अवेलेबिलिटी है वो प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी टाइम या डेट सेलेक्ट करते हैं आप अपने इंस्ट्रक्टर से जरूर डिस्कस करें। नंबर टू, कि जब आप अपना जो टेस्ट का टाइम या डेट होता है आप कोशिश करें कि आप उस टाइम भी लेसन लें जब आपका टेस्ट की जो आपकी टाइमिंग है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ वीकेंड्स को ही अवेलेबल होते हैं लेसन लेने के लिए, तो वो सुबह 8 बजे लेसन लेते हैं हर वीकेंड को या सैटरडे संडे को सुबह 8-9 बजे लेसन लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने टेस्ट बुक कराया हुआ है मंडे का, तो जब वो टेस्ट या ट्यूसडे का कोई भी दिन वर्किंग डे में अगर उन्होंने सुबह 8 बजे का कराया है, क्योंकि जो वीकेंड की ड्राइविंग होती है सुबह 8 बजे की 9 बजे की और जो वर्किंग डे की ड्राइविंग होती है मंडे टिल फ्राइडे सुबह 8-9 बजे की, वो टोटली मुख्तलिफ होती है। आप सडनली जब वीकेंड की ड्राइविंग के बाद नॉर्मल वर्किंग डे की ड्राइविंग करेंगे तो आपको थोड़ा मुख्तलिफ लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें वीकेंड के अलावा आप कुछ टाइम निकालें और अगर आप लेसन ले सकते हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे आपने बुक किया हुआ है वर्किंग डेज में, तो आपको हेल्प करेगा रोड की समझने में और ट्रैफिक कंडीशन समझने में कि सुबह 8 बजे फॉर एग्जांपल मंडे को या ट्यूसडे को सुबह 8 बजे कितना रश होता है, ट्रैफिक कैसे बिहेव करती है, रोड्स पे आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि बस लेन बंद होती है आपको तैयारी करनी पड़ती है कि बस लेन से के बाद अगर आपने लेफ्ट टर्न करना है तो आपने बस लेन को कैसे अवॉइड करना है, यानी कि उन टाइम्स पे आप प्रैक्टिस करें ताकि आप उस एटमॉस्फेयर के उस कंडीशन के उस टाइम के थोड़े यूज्ड टू हो जाएं कि इस टाइम आपको ये चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। कि जब आप टाइम या डेट अपना सिलेक्ट करते हैं टेस्ट पे जाने के लिए, तो मेक श्योर करें कि अगर आपने 10 से 3 के दरमियान अपना टेस्ट बुक किया है तो 10 AM to 3 PM यानी कि सुबह का जो हम कहते हैं 7 से 10 वो रश आवर होता है, सुबह 6-7 से रश आवर शुरू होता है और 10 बजे तक थोड़ा सा रश आवर रहता है, बस लेन्स बंद होती है, ट्रैफिक आपको थोड़ी ज्यादा मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा दो डिफरेंट सिनारियो है, इसे आप दो कैटेगरीज में ले लें। अगर आप अपना टेस्ट बुक करते हैं फॉर एग्जाम्पल सुबह 7 से 10 के दरमियान, तो उसमें आपको थोड़ा सा जो स्टॉपिंग या स्टार्टिंग है वो थोड़ी ज्यादा होती है, क्लच कंट्रोल मिरर्स आपको ज्यादा चेक करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ रश आवर्स, काफी ट्रैफिक आपको फेस करनी पड़ सकती है, सिचुएशंस आपको मिल सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये एडवांटेज होता है हल्का सा कि ड्राइविंग थोड़ी सी कम होती है, यानी कि इतनी लंबी ड्राइव शायद एग्जामिनर आपसे ना कराए अगर आपका टेस्ट सुबह 7-8 बजे है या 9 बजे है। क्योंकि दूसरे सिनारियों में अगर आप अपना टेस्ट बुक करते हैं सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे के दरमियान 10 AM to 3 PM तो दोपहर में या 10 o'clock 11 o'clock,
तो उस टाइम आपको जो ट्रैफिक कंडीशन है वो थोड़ी सी मे बी डिफरेंट मिले, क्योंकि उस टाइम जो रश आवर है वो आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बस लेंस खुल जाती हैं, तो जो ट्रैफिक का फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है। आप कोशिश करें कि जब आप लेसन लेते हैं आप उस टाइम पीरियड में भी जरूर लें जिस टाइम पीरियड के दौरान आपका टेस्ट है, यानी कि अगर आपने 11 बजे का बुक किया हुआ है आप कुछ लेसन सुबह के भी लें, आफ्टरनून 11 बजे के भी लें, जब भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस टाइमिंग के हिसाब से अपने जो लेसन हैं और उनको अपने इंस्ट्रक्टर के साथ डिस्कस करें। उसके अलावा जो 10 बजे के बाद की ड्राइविंग होती है वो थोड़ी सी आप कह लें कि शायद आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हल्का सा ड्राइव करना पड़े, एग्जामिनर आपको ड्यूल कैरिज वे पे लेके जा सकता है, बड़े रोडबोर्ड्स पे या स्पीड वाली रोड्स पे लेके जा सकता है, तो आप अपने जो तैयारी है अपने इंस्ट्रक्टर के साथ उस टाइम पे जरूर करें और इन चीजों के साथ यूज टू हों, तो इस तरह आपको आसानी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद को इजाजत दीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा ताकि वो भी इससे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।